हे ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशा। आज आप मुझे इस गेटअप में देख के आप लोग हैरान हो गए होंगे कि आज तो मैं बिल्कुल अलग ही दिख रही हूँ। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक पार्टी में गई थी और मैंने ये ड्रेसअप किया था। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई। और ये सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि वो वक्त से पहले आ गया था। मतलब मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा, तो एक तरह से वो सरप्राइज़ था। और तो मैंने सोचा क्यों ना इसी गेटअप में मैं आप लोगों के लोगों से शेयर करूं और ये गेटअप भी दिखाऊं। ये मैंने असमिया ड्रेस पहनी हुई है और ये नेकलेस भी वहाँ का ट्रेडिशनल है और इसके साथ ये इयररिंग भी है। अगर आप लोगों को ये मेरा लुक पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं असमिया ड्रेस पे, ट्रेडिशनल ड्रेस पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि मुझे वो क्या सरप्राइज़ मिला। तो चलिए देखते हैं। टन टना, ये सरप्राइज़ था जो मुझे आज ही मिला है। और purple.com से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और मैंने सोचा था अभी आने में शायद इनको टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी से मुझे मिल गए। हाँ, मैंने ये बॉक्स खोल दिया है पर इसके अंदर की चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अंदर की ये चीज़ें सारी पैक्ड हैं। ये ऐसे मिला है मुझे। ये एक पेपर है, स्टिकर, जो इन्होंने इसके ऊपर पेस्ट नहीं किया है, आई डोंट नो वाई। और फिर ये बबल रैप है और ये बबल रैप के अंदर अलग अलग ये चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं। और ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बबल रैप में अच्छे से पैक्ड हैं और मैंने इनको खोला नहीं है, केवल ये बॉक्स ही खोला है, इनके अंदर की चीज़ें खोली नहीं। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है purple.com से। ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं purple.com से मैंने कुछ चीज़ें मंगवा रही हूं। और बाय गॉड, इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी ना, डिस्काउंट में 50% ऑफ था। पैकेजिंग तो मुझे अच्छी लगी, पिछली बार से बेटर है। और तो चलिए सबसे पहले मैं ये वाला पैकेट खोलने जा रही हूँ। इसमें सिरम और एक लिपस्टिक नज़र आ रही है, तो मैं ये पैकेट आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। purple.com पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स मैं हमेशा देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स होते हैं और मेरा मन भी बहुत करता है पर कई बार मैं ले नहीं पाती। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं और मुझे और भी चीज़ें मंगानी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये लिपस्टिक है, ये मैं आपको बाद में शेयर करके दिखाऊंगी, पहले मैं एक बार ये दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पैक्ड है, बस ये देखना है कि इस, ये देखिए ये साउंड, लगता है इस बार भी मेरा ड्रॉपर टूटा हुआ आया है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि ड्रॉपर टूटा हुआ था पैकेट के अंदर और आई थिंक साउंड आ रहा है, तो ये पैकेट आई थिंक ड्रॉपर टूटा हुआ है और इसमें वो साउंड नहीं है, तो इसका ड्रॉपर आई थिंक है। और ये यहाँ पे मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप, जो कि 10 ml है और ये फेस सीरम है। और ये मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन ई फेस सीरम। और आई थिंक मैं ये खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए इस पे, इसकी पैकेजिंग पे कोई रैपर नहीं है, ये ऐसा है। और ये देखिए इसकी पैकेजिंग है, इस पे रैपर है, ये देखिए ये रैपर है इसके ऊपर, ये देखिए ये रैपर है, जबकि इसके ऊपर रैपर नहीं है। और ये मैंने एक ही पैकेट में से इसको आपके सामने खोला है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे क्योंकि इसके अंदर भी रैपर होना चाहिए। और देखा, जो मैंने सोचा था वही हुआ, इसका ड्रॉपर टूटा हुआ है और कांच बहुत बारीक है, ये देखिए ये ड्रॉपर जो कि बिल्कुल टूट चुका है, ये देखिए ये ड्रॉपर बिल्कुल टूट चुका है जो कि है ही नहीं। ये लास्ट टाइम भी मेरी शिकायत थी, ये लोग पैकिंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखते कि ड्रॉपर सही है या नहीं है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी डिसअपॉइंटेड है मुझे लगा। और इनको चेक करना चाहिए, जबकि ये फेस सीरम इतने अच्छे होते हैं,
तो इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये वाला पैकेट रैपर में है रोज़ हिप्स का, और ये विदाउट रैपर है, तो गॉड नोज कि ऐसा क्यों है, ये विदाउट कवर क्यों है और इसका ड्रॉपर क्यों टूटा हुआ है। लास्ट टाइम भी मेरा ड्रॉपर टूटा हुआ था, इस बार भी ये ड्रॉपर टूटा हुआ है, और ये डेंजरस है इतना क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत सॉफ्ट उससे बने होते हैं, और इतना बारीक कांच है कि ये इसकी पैकेजिंग यहाँ से भी निकल के वो गिर सकता है। तो इस पैकेट को मुझे ज़रा संभाल के रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ये लग जाए। तो ये चीज़ पर्पल को ध्यान देनी चाहिए इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद ये एक और पैकेट है जो मैंने मंगवाया हुआ है, और इसमें भी मुझे पता है क्या है। ये मैंने टोनर और टोनर मंगवाए हुए हैं, और इसमें लिपस्टिक है। तो लिपस्टिक जितनी भी मैंने मंगवाई है वो मैं आपको एक साथ ही शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं अभी ये चीज़ें शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, और इसकी पैकेजिंग भी मुझे ठीक लगी। अब देखते हैं टोनर का कैप वगैरह कैसा है, वो सही सलामत है या नहीं है। हाँ, जस्ट रैप किया हुआ है, इट्स ओके। और ये इसमें ये लिपस्टिक है, ये मैं बाद में एक साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखिए ये रैप ये है, इसमें मैंने दो टोनर मंगवाए हुए हैं। ये बबल रैप साइड पे रखती हूँ, इसमें मैंने टोनर मंगवाए हुए हैं। एक टोनर है, ये दोनों टोनर गुड वाइब्स के हैं, और ये है रोज़ हिप स्किन क्लेरिफाइंग टोनर है ये, और ये सिंपल रोज़ ग्लो टोनर है। तो मैंने ये दो टोनर मंगवाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे प्राइस में थे, डिस्काउंट रेट पे, और मैंने इनके बारे में सुन भी रखा था, तो मैंने मंगवाया। मैंने सोचा क्यों ना लगा के देखा जाए, और मेरी ऑयली स्किन है तो टोनर ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझको। और ये पैकेट बिल्कुल बंद है, ये देखिए ये आपको कवर दिख रहा है। ये एक और पैकेट, पैकेजिंग से मैं काफ़ी खुश हूँ इस बार, अच्छी पैकेजिंग की है इन लोगों ने। हाँ, ये मैंने मंगाया था, हाँ, और इसमें ये मैंने मंगाया था फेसेस का आईलाइनर। ये फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज आईलाइनर है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में डिस्काउंट में था, तो मुझे एक लाइनर की ज़रूरत थी, तो मैंने ये मंगवाया। ये ड्रामेटिक ब्लैक फिनिश है, स्मज एंड वाटर रेजिस्टेंस है, फेदर लाइट पिन पॉइंटेड है, और देखते हैं यूज़ करके ये कैसा है। और इसका ओरिजिनल प्राइस 249 है, और ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा था 174 का। तो जितने भी प्रोडक्ट के रेट और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, मैं वहाँ पे सारे लिंक शेयर कर दूँगी और इनके प्राइस वगैरह भी। और ये भी गुड वाइब्स का है, लेमन लिप स्कर्ब है जो कि मैंने मंगवाया था और मुझे एक चाहिए था। मैं होममेड स्कर्ब यूज़ करती हूँ लिप्स के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मंगवा के देखा जाए। तो ये मैंने गुड वाइब्स का मंगवाया हुआ है, लेमन लिप स्कर्ब है, और ये मैन्युफैक्चर रेडी हुआ है 2019 में, और यूज़ बिफोर करना है 2021 में, यानी मेरे पास अभी 2021 अभी मेरे पास 2 साल हैं, तो 2 साल में तो ये यूज़ हो जाएगा। चलो इसको खोल के देखते हैं कि इसकी बोतल कैसी है। ओह सो क्यूट, स्कर्ब है तो ये 2 साल भी ज़्यादा है, आई थिंक 2 साल में क्या, ये तो मैं महीनों में ख़त्म कर दूँगी। इतना क्यूट कंटेनर है ना इसका, वाव। और स्मेल तो वैसे ही लेमनी है, और ये ऐसा है देखने में, फिनिशिंग देखिए इसकी जैसे ऊपर खाबड़ है, और आई डोंट नो स्मूथ क्यों नहीं दिख रहा, बट इट ओके। इसके ऊपर
कवर नहीं है, जो एक पेपर कवर होता है, फिर आप खोल के वो ऐसे करते हो, ये सीधा ऐसे ही ओपन हुआ है, तो आई थिंक ये ऐसे ही बनता हो, आई डोंट नो, पर मुझे ये क्यूट लगा। छोटा सा कंटेनर, गोल्डन कैप है इसकी, अच्छा है, अट्रैक्टिव है। यूज़ करने पे देखते हैं ये कैसा होगा, यूज़ भी मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। ये देखते हैं ये क्या है, मैंने क्या मंगवाया था एक्चुअल में, ये कवर है, रैपर लगा हुआ है, तो मुझे ये देखने पे ही पता चलेगा इस ये क्या चीज़ है, मैंने ऑर्डर करी है या मुझे फ्री में मिला है। व्हाट इज दिस, हाइड माय हिक्की कंसीलर। ओ ये कंसीलर है, स्टे क्विकी का कंसीलर है, हाइड माय हिक्की कंसीलर, मिनीज मिनीज पैक है, और ये मैंने लिया है। चलिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि इसका कैसा है। बहुत ज़्यादा मिनी है, मैंने सोचा नहीं था इतना छोटा होगा, मुझे लगा इसका रैपर बहुत हार्ड है, लेकिन क्यूट है, मुझे ये क्यूट लगा स्टे क्विकी का। वाओ, उस अमाउंट के हिसाब से ठीक है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन शेड में लिया है मैंने, मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये है कंसीलर, स्मूथ है, स्मज भी हो रहा है, और ये देखिए मिक्स भी हो गया जल्दी से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लग ही नहीं रहा कि मैंने अपने हाथ पे कंसीलर लगाया है, नाइस। फिर यहाँ पे दो पैकेट्स हैं और दो पैकेट्स और हैं, तो सबसे पहले मैं ये वाला पैकेट खोलने वाली हूँ, और ये मैंने कुछ आई पेंसिल मंगवाई हैं, जो डिस्काउंट रेट जिनका बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे ये आई थिंक ये मुझे 43 में ईच पड़ी हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा बाय रहा, और मैंने इसको मंगवाया, और मैं ट्राई भी करना चाहती थी काफ़ी दिनों से इसको, इस ब्रांड को, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत देखा था यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह इस ब्रांड के बारे में, तो मुझे ये चाहिए था, और मुझे वैसे भी पेंसिल बहुत पसंद है कलरफुल, अपने आईज़ के मेकअप के लिए ज़्यादातर। वाओ, पेंसिल का साइज़ और शेप वगैरह अच्छी लगी मुझे, ये है। और चलिए दूसरा पैकेट भी खोल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक पेंसिल है, वो भी दिख जाएगी आप लोगों को साथ में, तो इसको भी मैं खोलती हूँ। तो ये मैंने 4 पेंसिल मंगवाई हैं NYB की, जो कि शेड मैं आपको बता देती हूँ, ब्लू है, वाइट, ब्लू वाइट और गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। चलिए मैं इनको खोल के भी दिखाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनका देखने में, ये ना बहुत खुश हुई मैं इनको देख के, और ये भी रैप में है, तो चलिए एक बार मैं इनको खोल लेती हूँ, फिर आपको आपसे इनका शेड। ये भी कवर है, तो मैं इनको एक एक करके खोल रही हूँ। ये देखो ये निकल गया है इसके बैक में, खोलने पे क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, ये देखो ये आप लोगों के सामने अभी निकला है मेरे को। यहाँ पे मैंने ये चारों पेंसिल के कवर उतार दिए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो चलिए अब इनके शेड भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये खोलने जा रही हूँ, गोल्डन गोल्डन
गोल्डन है और ये है इसका टिप। और कैसे दिखाऊं मैं आपको, हाँ यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये स्मूथ तो है, बहुत ही स्मूथ है। और ये देखिए एक ही बार में इसने स्टॉक दे दिया है, कलर दे दिया है, तो काफ़ी अच्छा है। मैं आइस पे तो अभी आप लोगों को लगा के दिखा नहीं सकती। इसके बाद फिर ये है ब्रॉन्ज, ये देखिए ये ब्रॉन्ज शेड है, ये भी काफी अच्छा है। ब्लू, ये रहा डार्क ब्लू, ये देखिए वाह बहुत ही अच्छा है। मुझे इन पेंसिल का क्या कहते हैं अमाउंट वगैरह बहुत पसंद आया है और थिकनेस पसंद आई है, जबकि ऐसे नहीं होते हैं। और ये वाइट, और वाइट का तो मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और वाइट तो मुझे चाहिए था, तो वाइट बहुत ही लगा के देखती हूँ क्योंकि मुझे वाइट पेंसिल चाहिए थी और मुझे बहुत क्रेज़ है वाइट का। तो यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ अपनी आईज़ में। वाओ, इससे पहले वाइट पेंसिल थी बट वो एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद मुझे मार्केट में वाइट पेंसिल मिली नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन मंगा लूँ मैं। और मैं बहुत लगाती हूँ वाइट पेंसिल, बहुत। तो ये चार शेड हैं जो मैंने मंगवाए हैं, वाइट, ब्लू, ब्रॉन्ज और गोल्डन। तो ये हैं जो कि मुझे पसंद आई, बहुत स्मूथ चल रही है। फिर उसके बाद ये दो पैकेट और हैं, ये भी मैं खोलने जा रही हूँ। और ये दूसरा पैकेट है जो मैं खोल रही हूँ, ये मैं देख लेती हूँ क्या क्या है, फिर उस हिसाब से मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पहले दो लिपस्टिक दिखाऊं, फिर बीच में कुछ और दिखाऊं, फिर दो लिपस्टिक और दिखाऊं, ऐसे फिर कन्फ्यूज़न होगी। मैं एक साथ ही दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक साथ ही इनको निकाल रही हूँ। और ये चार लिपस्टिक हैं डार्लिंग इजाबेल की जो मैंने मंगवाई हैं, और ये कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। और भी कलर हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं वो मंगवाने वाली हूँ। और ये चार डार्लिंग इजाबेल की हैं और ये दो न्यू बाई की हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इनके शेड दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूँ डार्लिंग इजाबेल के शेड्स आप लोगों को अपने हाथ पे। और ये भी अच्छे से पैक हैं, आई थिंक इन पे रैपर है जो कि उतारना पड़ेगा। और ये मैं चारों खोल लेती हूँ फिर आपको इनके शेड दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन चारों के कवर खोल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं इसके क्या शेड हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ आपको नंबर 4, जिसका नेम है पैशनेट पर्पल रॉयल्टी। और ये देखने में ऐसी है, ये देखिए ऐसे है। मैं अब शेड लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये 2-3 स्टॉक के बाद है, ये एक स्टॉक में है। अच्छा शेड लगा मुझे, ये शेड बहुत अच्छा है। और ये है नंबर 8 वाइल्ड वाइन रॉयल्टी, चलिए मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये शेड मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मैं ये वाइन शेड लेना चाहती थी एक। वाओ, देखिए ऐसा है। उसके बाद है ये नंबर 15 है और इसका नेम है मैग्निमूस मॉव रॉयल्टी। आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है। और ये बिल्कुल लाइट शेड में है, मेरे को थोड़ा स्किनी टाइप में चाहिए था तो ये अच्छा शेड है। फिर उसके बाद है नंबर 13, ये है
प्लेफुल पीच रॉयल्टी, प्लेफुल पीच रॉयल्टी जो कि पीच शेड में है, और ये भी मुझे चाहिए था। ये देखिए, आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पा रही हूँ। ये चार शेड हैं, 1, 2, 3, 4 जो कि डार्लिंग इजाबेल के हैं ये, और ये शेड थोड़ा सेम ही लग रहा है कैमरे में, बट ये अलग है। ये मुझे पसंद आया, ये भी, ये चारों ही शेड अच्छे हैं। तो चलिए फिर न्यू बाई के शेड भी देख लेते हैं, और इनका रैपर भी मैंने ये दोनों उनका खोल दिया है। और सबसे पहले इस नंबर 1 है, नंबर 1 है, और इस पे नेम आई थिंक लिखा हुआ है, बहुत बारीक है जो मैं आपको लोगों के लिए पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं आप अगर हुआ तो मैं अपने डिप्स यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी इनका नेम। और ये ब्राउन फैमिली से है, ये देखिए, ये है, ये शेड है, और ये ऐसा है। ये चीज़ अच्छी है कि एक साउंड के साथ बंद हो रहा है। और इसका नंबर 23 है, और ये भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा शेड है, ये भी बहुत ही अच्छा, और ये मैट फिनिश में है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये पैकेट और है, और इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या है। ये वैसे मुझे पता है ये क्या है, ये है गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी लिप बाम, जो कि कितना क्यूट सा कवर है, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और कवर भी अच्छा है, पिंकिश उसमें क्यूट लगा मुझे ये बॉक्स। और इसका कंटेनर देखते हैं कंटेनर भी क्यूट सा है और बहुत ही अच्छा है स्क्रब की तरह, और देखते हैं इसमें कवर है कि नहीं। इसमें भी कवर नहीं है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, और अब इसकी स्मेल भी स्ट्रॉबेरी की तरह है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कंटेनर देख के बहुत, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें ना, क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, मैं खुश हो जाती हूँ एकदम से। तो ये है, इसकी एक्सपायरी डेट भी 2021 है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2009। मैंने ये लाइनर मंगाए हैं NYB के, और ये शेड है ब्लू और ग्रीन शेड में है। और चलिए सबसे पहले मैं ये खोल के, सॉरी ये तो होना ही था, कुछ ना कुछ तो मैं गिराती हूँ हमेशा, तो इतनी देर से कुछ गिरा नहीं था तो अब गिर गया। और ये है, और फिर से, और न्यू बाय का इस आईलैंड आईलाइनर ब्लू कलर का, ये इसकी पैकेजिंग है। चलिए अंदर से देख लेते हैं इसकी बोतल कैसी है। वाव, अच्छा है, और ये मुझे बहुत, मतलब 50% डिस्काउंट में मिला था, तो आई थिंक ये मुझे 63 में पड़ा है ये लाइनर। और वैसे ये लाइनर आई थिंक 88, आई डोंट नो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे उतने का है, लेकिन ये मुझे 63 का पड़ा। तो ये है लाइनर, चलिए इसका ब्रश देख लेते हैं कैसा है लगाने में। हाँ, ब्रश ठीक है, बहुत थिन है, और
वाह नाइस, मेरा फेवरेट कलर। वैसे ग्रीन शेड है, वैसे ग्रीन शेड मेरे पास है और इस वक्त मैंने यहाँ पे लगा रखा है, बट ये बोटल ग्रीन है, सैप ग्रीन जो होता है, डार्क है बिल्कुल, फॉरेस्ट टाइप में। और ये थोड़ा लाइट शेड में फिर अच्छे उसके वाला, बाद ये ये ब्लू है लाइनर जो मैंने मंगवाया है। और चलिए ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। हाँ ये है वो ब्लू लाइनर। उफ, आई थिंक इसका शेड ब्लू नील जैसा है और मुझे ये नील वाला शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे रॉयल ब्लू चाहिए था या फिर ब्लू जो एक अच्छा सा ब्लू होता है ना, वो चाहिए था। अब देखते हैं ये बोतल में ऐसा दिख रहा है लगाने पे ये कैसा है। एक जगह डार्क लगा है, एक जगह लाइट लगा है। आई थिंक ब्लू ये मेरे पसंद वाला ब्लू नहीं है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे। ये वो ब्लू नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ये थोड़ा नील वाला जो शेड होता है उसमें है, तो इट्स ओके। मैं दूसरा ट्राई करने की सोच। और यहीं पे मेरा ये purple.com का हॉल ख़त्म होता है, जो ऑनलाइन से मैंने चीज़ें मंगाई थी बस इतनी ही थी। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं तो आप लोग भी ज़रूर खरीदिएगा, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि अभी मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया है, केवल जस्ट मंगाया है। मैं इनका रिव्यू भी कुछ टाइम बाद ज़रूर दूंगी, कौन सी चीज़ कैसी थी। और लिपस्टिक का भी एक अलग से मैं वीडियो बना के डालने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा हॉल पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड और सबके साथ, और उनको भी बोलिएगा ये इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और लेकिन मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे 4-5 वीडियो देखिए, और अगर आप देखिए और अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, लव यू, टेक केयर, बाय। और ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस गेटअप में, ये ज़रूर बताना मुझे। चलो बाय, टेक केयर, सी यू।